अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। सरकारी विभाग डाल तो चोरी करने वाले बात बात। कुछ ऐसा ही अजूबा कर दिखाया है गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक निवासी विकास जैन ने। जीएसटी के 200 करोड़ रुपए की फर्जी बिल तैयार कर विकास ने 42 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी कर ली। इस चोरी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विकास जैन ने 30 से ज्यादा ऐसी फर्म बनाई जिनका वजूद ही सिर्फ कागजों पर था। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी मेरठ की टीम ने विकास को गिरफ्तार कर उसके पास से भारी मात्रा में 500 व 2000 रुपए के रूप में 2.23 करोड़ रुपए नगद बरामद किए हैं। मेरठ मावाना निवासी विकास जैन को बुधवार को गाजियाबाद से मेरठ सीजीएसटी कार्यालय बुलाया गया था। पूछताछ के बाद उसे मेरठ कार्यालय पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल सीजीएम अंजू काम्बोज की अदालत में उसे पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विकास जैन ने जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया उसे जीएसटी की भाषा में टैक्सी फर्म कहते हैं। ये सिर्फ दर्शाई जाती है लेकिन धरातल पर कहीं नहीं होती। दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद फर्जी तरीके से बनाई गई फर्मों के जरिए ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। सीजीएसटी की टीम एक साल में 4000 करोड़ रुपए के फर्जी बिल पकड़ चुकी है। 3 करोड़ रुपए बरामद कर 7 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रधान आयुक्त सीजीएसटी एसबी सिंह, संयुक्त आयुक्त राजेश कुमार, सहायक आयुक्त अंकित गहलोत ने कार्यालय पर मीडिया को ये जानकारी दी। मैंने आप सभी लोगों को ये जानकारी देने के लिए बुलाया है कि अभी हम लोगों ने परसों मेरठ की कुछ फर्में जो फेक बिल जारी करते हैं जिनके बेसिस पर काफ़ी सारे लोग ITC अवेल करते हैं और उसे GST की चोरी होती है, तो ऐसे कुछ फर्मों के ऊपर हमने कार्रवाई की थी। कुछ फर्मों को चिन्हित किया था, हमारी मेरठ की टीम ने 8-10 जगहों पे सर्च की थी जिसमें से जो मेन अक्यूज्ड है उसका विकास जैन वो गाजियाबाद में रहता था, तो गाजियाबाद में उसके घर पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की। तो उसके घर से हमें काफ़ी सारे फर्मों के रिकॉर्ड मिले, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, उनकी चेकबुक मिली जो वो खुद ही अपने घर से बैठ करके चलाता था। इसके अलावा उसके घर पर हमको 2 करोड़ 23 लाख कैश भी मिला जो उसकी जो पूरी प्रक्रिया थी वो उसको दर्शाती थी कि किस तरीके से वो फेक बिलिंग जनरेट करता था। तो वो प्रक्रिया में वो अपनी फर्म जो कई सारी फर्में बनाई थी उनसे इनवॉइस जारी करता था। इनवॉइस के अगेंस्ट उसके उस कंपनी के बैंक अकाउंट में RTGS या चेक से पैसा आ जाता था। उस पैसे को निकाल करके कैश में रख के और वो वापस सर्कुलेट कर देता था और ख़ुद कमीशन बेसिस पे काम करता था। नहीं तो जो आदमी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 5 या 6 लाख की इनकम दिखा रहा उसके घर पे 2.25 करोड़ के करीब कैश होना बहुत असंभव सी बात है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ।